हाय गाइस, मेरा नाम बलदेव सिंह और आप सभी का एग्रीकल्चर अपडेट चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आंवले की खेती के बारे में। किसके बारे में गाइस? आंवला की खेती के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ आंवला। आओ बात करते हैं। आप सभी को पता है आंवला बहुत ही गुणकारी, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और ढंग से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन। आओ चलते हैं आंवला की खेती। हाँ, वनस्पतिक नाम क्या है इसका स्टूडेंट? इसका वनस्पतिक नाम है एम्बलिका ऑफिसिनेरिस या फिर फाइलेंथस एम्बलिका के नाम से भी इनको जाना जाता है। कुल इसका है यू फोर बी एसी। कुल इसको अलावा किसका है गाइस? अरंडिका भी यू फोर बी एसी कुल होता है। उत्पत्ति स्थान इसका है भारत। भारत उत्पत्ति स्थान है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये आंवले जैसा फल कहने का मतलब अपने उत्पत्ति स्थान कौन है? भारत है। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। और इसके अलावा भारत उत्पत्ति स्थान किन का है? बेल का, लहसुन का और आम का। क्या है? आम का भारत व ब्रह्म है गाइस। ठीक है, लहसुआ बेल का उत्पत्ति स्थान भारत है और आंवले का भी कौन सा है? भारत है। और आम का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत व ब्रह्म है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें है 2n = 28। फल का प्रकार है इसमें कैप्सूल प्रकार होता है गाइस। कौन सा? कैप्सूल, या फिर इसको संपुट भी कह सकते हैं, कैप्सूल या संपुट। कैप्सूल का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे आंवले का फ्रूट, देखो आंवले फ्रूट में लाइनिंग होती है ना, इसको जब इसको तोड़ते हैं अपने तो सेगमेंट अलग अलग इसके हो जाते हैं। इसको अलग अलग डिवाइड आसानी से कर सकते हैं गाइस, आसानी से इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। जैसे भिंडी के अंदर कैप्सूल होता है ना, भिंडी के अंदर भी उसके पार्ट अलग अलग लाइनिंग होती, सीधी अलग अलग डिवाइडेशन होता है, उसमें खंडन, उसमें क्या होता है? कैप्सूल। बट यहाँ पर एक बात याद रखना, जो राजस्थान की 12th एग्रीकल्चर वाली बुक है, राजस्थान की 12th एग्रीकल्चर वाली बुक है, वहां पर फल प्रकार सरस या बेरी दे रखा है। क्या दे रखा है? सरस या बेरी दे रखा है। फल वहां पर सरस या बेरी दे रखा है। यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की राजस्थान में आप यदि तैयारी कर रहे हो तो फल का प्रकार यदि वहां पर पूछे तो आप सरस या बेरी लगाकर आओगे। कारण यदि ऑब्जेक्शन आगे किया किसी ने भी तो ये ऑथेंटिक इस बुक को मानेंगे, 12th वाले को मांगे। पिछले जो सुपरवाइजर एग्जाम जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन्होंने ऑथेंटिक बुक वाली ही मानी गाइस। ओके, फल प्रकार की होगी बात। अब देखो अन्य नाम, आंवले का अन्य नाम क्या है? 21वीं शताब्दी का फल। कितनी बड़ी बात है, 21वीं शताब्दी का फल कौन है? आंवला। इसको इंडियन गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। अब गूजबेरी क्या है गाइस? देखो इंडियन गूजबेरी मतलब गूजबेरी कहीं और का प्लांट होगा, उसमें वही क्वालिटी जो उस प्लांट में वही क्वालिटी आंवला के अंदर पाई जाती होगी, इसको बोलते हैं इंडियन गूजबेरी। अब देखो गूजबेरी है कैसे? गूजबेरी एक राइवल युवा क्रिस्पा नाम का एक प्लांट है, शरब प्लांट है गाइस, बस प्लांट है, मतलब कहने का झाड़ी वाला प्लांट है। गूजबेरी का नाम है राइवल्स युवा क्रिस्पा। ये यूरोपियन गूजबेरी है, यूरोप के अंदर पाई जाने वाली गूजबेरी गाइस, यूरोप के अंदर पाई जाने वाली गूजबेरी है। इसकी क्वालिटी की क्या है? इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस गूजबेरी जो की राइवल्स युवा क्रिस्पा है, इसमें विटामिन सी की मात्रा गाइस बहुत अधिक पाई जाती है। और इसका फल है कैसा होता है? जो इसका गूजबेरी मतलब युवा क्रिस्पा का जो फल है अपने सेम आंवले के फल जैसा ही होता है, लगभग उसी प्रकार का होता है। तो इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, राइबस युवा क्रिस्पा में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसी के सिमिलर इंडियन गूजबेरी आंवला, इसमें भी विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है, तो इसको इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की मात्रा आंवले में कितनी होती है? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर। अब बात करते हैं 21वीं शताब्दी का फल हो गया इंडियन गूजबेरी। अब बात करते हैं अमृत फल की। आंवले को अमृत फल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि त्रिफला जूर्ण खाया ना सभी ने कब्ज के, तो कब्ज के ट्रीटमेंट में कॉन्स्टिपेशन ना, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के इलाज में इसका यूज किया जाता है। त्रिफला वाली को देखो क्वालिटी, औषधीय गुण है, चमत्कार से बनता है, मुरब्बा बनता है, कैंडी बनती है, कहने बंद तो औषधीय गुण है ना त्रिफला वाला, ऐसे ऐसे औषधीय गुणों का इनको अमृत फल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको मलाका पेड़ या मीरा बालम के नाम से भी जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं गाइस खाने योग्य भाग। इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है, खाने योग्य भाग पेरिकार्प। फल प्रकार मोनोसियस। फल का प्रकार क्या है इसमें? तो ठीक है, मोनोसियस फूल का प्रकार होगा गाइस, ठीक है, फूल का प्रकार इसे मोनोसियस कहने का मतलब क्या होता है? मोनोसियस उसको बोलते हैं जब एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प अलग अलग स्थानों पर आते हैं, उसे क्या कहते हैं गाइस? मोनोसियस कहते हैं। जब अलग अलग स्थानों पर नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा, तो उसमें परागण तो ऑटोमेटिक होगा गाइस, ठीक है, याद रखना।
आंवला एक मोनोसीड्स प्लांट है, ये इसको द्विलिंगी भी कह सकते हैं हिंदी में, और परपरागण इसमें पाया जाता है, और परागण इनके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा इनमें परागण पाया जाता है। इसके उत्पाद क्या क्या इनसे बनता है गाइस, आंवले से क्या क्या बनता है, कैंडी सुखी अपनी खाई होगी कभी, ठीक है, वरुपागन इनसे बनता है, चवनप्रास में यूज होता है, त्रिफला बात हो चुकी है। अब त्रिफला तीन प्रोटेक्टीन चूर्ण बनती से मिक्स होते हैं, आंवला हर्ड बिघेड़ा का मिश्रण को क्या कहते हैं अभी, त्रिफला कहते हैं। अब आंवले के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है, आंवले के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उसके बाद यदि भारत के राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, राज्यों की बात की जाए तो भारत में पहला जो राज्य है जो प्रथम है इसमें कौन है भी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बारी करते हैं बात आती सॉरी राजस्थान की, तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो आंवले के उत्पादन में टॉप स्थान पर, गाइज आंवले के उत्पादन में टॉप स्थान पर है, वो है गाइज जयपुर, वो है गाइज जयपुर, ओके जयपुर है। भारत की बात होगी आंवले भारत प्रथम है, और यूपी प्रथम राज्य की बात है, और राजस्थान की यदि बात करें तो जयपुर जिला है वो प्रथम नंबर पर आता है। आंवला एक डेसीडुअस प्लांट है, डेसीडुअस प्लांट का मतलब होता है एक पतझड़ी पौधा है, क्या पतझड़ी पौधा है, मतलब सदाबहार नहीं है, तो ये पतझड़ी जब मौसम बसंत ऋतु वाली आती है तो इसके पत्ते झड़ जाते हैं, ओके डेसीडुअस बोलते हैं, डेसीडुअस मीन होता है गाइस पतझड़ी। आंवले का स्वाद टैनिन के कारण कसैलापन लिए होता है, इसके अंदर टैनिन पाया जाता है, इस कारण इसका जो स्वाद है कसैलापन लिए होता है गाइस, ओके। इसके अंदर क्या आता है, आंवले में सदाई की विधियां यूज करते हैं गाइस, सदाई की विधियां यूज की जाती है, सदाई की विधियां कौन सी, इसमें इसमें बोलते हैं गाइस सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम इसका यूज किया जाता है। केंद्रीय रूपांतरित लीडर प्रणाली बोलते हैं, केंद्रीय रूपांतरित लीडर प्रणाली का इसमें यूज किया जाता है क्या ये, देखो अब देखो इसमें तीन तरीके की जो सदाई की प्रणालियां होती हैं, तीन तरीके की होती है, एक होती है सेंट्रल लीडर सिस्टम उसको बोलते हैं, नंबर वन क्या होता है, एक होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम इसमें क्या होता है गाइस, जो मुख्य स्टेम होता है मुख्य स्टेम उसको सीधा बढ़ने दिया जाता है, उसके बाद इनको ऐसे जो पत्तियों का रंग इस प्रकार सेट कर दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है, मुख्य धन को बढ़ा दिया जाता है, सेंटर है ना वो लीडर बना दिया, उसको मेन लीड कर दिया, ठीक है, तो ये इनको आगे सीधा बढ़ने दिया, इसे सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है। और ये पाया किस में जाता है आपसे पूछे तो एग्जाम्पल है इसका, आम के अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा वॉलनट खाई है ना सभी ने, अखरोट बोलते हैं है ना, वॉलनट के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर की बात करें अपने तो उसको बोलते हैं ओपन लीडर सिस्टम। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें जो मेन अपने जो मेन स्टेम है उसको ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता, उसको काट दिया जाता है, ये अपने रूट्स मान लो, तो इसको ऐसे प्लांट को सीधे साइडों में बढ़ने दिया जाता है, ठीक है, साइडों में बढ़ने दिया तो वो होता रहता है ओपन लीडर सिस्टम, ओके गाइज। ये यूज करते हैं अपने अमरूद व बेर में, यदि आपसे पूछे तो यूज करते हैं किसमें, अमरूद व बेर में। अब देखो नंबर वन सेंट्रल लीडर सिस्टम, दूसरी ओपन जो लीडर सिस्टम, इन दोनों का मिश्रित रूप है कौन सा गाइज, सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ये तीसरा टाइप है, ओके तीसरा टाइप है जो कि किसमें यूज कर रहे हैं गाइज, आंवले के अंदर इसका यूज किया जाता है, आंवले के अंदर इसका यूज करते हैं गाइज, एप्पल में भी इसका यूज कर सकते हैं, एप्पल में भी इसका यूज होता है सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें क्या है, दोनों का मिश्रित रूप है ये, इसमें क्या है ना तो ज्यादा जो तने की मेन स्टेम की लंबाई बढ़ाई जाती है, ना ही ज्यादा इसको साइडों में बढ़ाया जाता है, कहने का मिश्रित रूप इसका यूज करते हैं, मध्य ही साइज रखे जाते हैं, दोनों का ना तो साइडों में ज्यादा बढ़ने देंगे ना ऊंचाई में ज्यादा बढ़ने, ओके गाइज। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हो, नोट कर लीजिए फटाफट या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। आंवले खेती के बारे में हम सामान्य जानकारी आगे ले चुके हैं, अब चर्चा करेंगे जलवायु एवं मृदा के बारे में। हाँ, इसके लिए जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की इसमें जरूरत होती है, उष्ण एवं उपोष्ण, ठीक है, उष्ण मतलब गर्म, उपोष्ण मतलब ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, ठीक है, तो आंवले खेती उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की जा सकती है। इसके लिए जो अच्छा तापमान वृद्धि के लिए जो बढ़िया तापमान रहता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, ओके। इसके लिए मृदा कौन सी यूज करेंगे, दोमट मृदा का इसमें यूज किया जाता है। और पीएच की बात करें तो पीएच इसका 6.5 से लेकर 9 पीएच की मृदा हो तो उसकी खेती आसानी से की सकते, कितनी गाइस 6.5 से लेकर 9 पीएच तक यदि मृदा का पीएच सॉरी हो तो इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, 6.5 से लगभग 7 में तो होते ही क्या,
ठीक है, मतलब लिमिट होती है, सात तो सिंपल हो गया, बेस हो गया इसका, और नौ मतलब लवणीय क्षारीय मृदा होना, तो भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ओके गाइस, अब बात कर रहे हैं प्रवर्धन की। प्रवर्धन की विधियां तो बहुत हो सकती है, यदि मैं कहूं तो इसमें शील्ड या टीक लगाइन भी इसमें कर सकते हैं, पेज वर्डिंग भी तो करते ही करते हैं। यदि वो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या होता है, मेन वो पूछे व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि, आपको याद रखनी हर फल के अंदर सभी की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां याद रखनी है, और इसके अंदर कौन सी है, पेबल या फिर पेज क्रिकाइन, या इसको फोर कैट बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। पेज बडिंग भी कह सकते हैं, फोर कैट बडिंग इसको भी कह सकते हैं, पेबल बडिंग भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फोर कैट बडिंग करते हैं कैसे, देखो क्रिकाइन कैट टाइप है, जैसे मूलवर्ग तैयार कर लिया, तो मूलवर्ग में रेक्टेंगुलर साइज का आयताकार आकार का इसमें छाल में कट लगाते हैं, जैसे ये कट लगा दिया मैंने, तीन तरफ कट लगा दिया, अब ये बारक है ना, अब ये बारक को ऊपर उठा दिया वापस, ठीक है, ऊपर उठा देते हैं और इसी आकार की कलिका को तैयार करते हैं और इसमें सेट करके उसको जोड़ लगा देते हैं, और कुछ समय बाद अपने आप यहाँ से, ठीक है, फुटान होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कौन सी विधि है, पेच बडिंग, याद रखना पेच बडिंग की यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। इसमें बी इंटू एल आठ इंटू आठ मीटर रखा है, तो गड्ढे का आकार एक इंटू एक मीटर रखना है, कैसे है? मतलब क्या प्रवर्धन, यहाँ किसकी बात हो रही है, बी इंटू एल पौधे वह पौधे पौधे से पौधे वह लाइन से लाइन की दूरी आठ इंटू आठ मीटर रखते हैं, और गड्ढे का आकार कौन सा गड्ढे का आकार, जहां अपने प्लांट को उगाना है वहां पर एक इंटू एक मीटर साइज उसका रखा जाता है, ठीक है गाइस। और पौधों को जुलाई मंथ में लगाया जाता है, जून जुलाई सॉरी जुलाई अगस्त, वर्षा ऋतु की बात आई है ना, तो जुलाई अगस्त में इसके पौधों को आसानी से लगाया जाता है। और यदि मान यहाँ पानी की बात है, वर्षा ऋतु है, पानी तो अधिक हो ही रहा है, यदि पानी की शुद्धता आपके पास पहले है तो आप फरवरी मार्च के अंदर भी इसका पौधा आसानी से लगा सकते हो। ओके गाइस, नोट कर लीजिए या फिर जल्दी जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। अब हम आंवला की किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे गाइस, आंवले की किस्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखो इसमें तीन टाइप की किस्में है, अगेती किस्में, मध्यम किस्में और पिछहती किस्में। अब बात कर रहे हैं अगेती किस्में, भाई याद रखना फल और सब्जी के अंदर, फल और सब्जियों के अंदर अगेती किस्मों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं, पिछहती की तुलना में अगेती किस्मों से ज्यादा क्वेश्चन गाइज पूछे जाते हैं। कारण ये क्या है, देखो मान लो मेन प्रॉपर किसी फसल का सॉरी मेन फल या सब्जी का प्रॉपर कोई टाइमिंग आ गई, मान लो मेन टाइम जो मेन टाइम होता है आ जाए, तब तो उसकी मात्रा बाजार में बहुत अधिक होती है। यदि आपको टाइम से पहले वो सब्जी मिल जाए, ठीक है, जब स्टार्टिंग में कोई सब्जी आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, वो अगेती किस्म ही होते हैं, तो याद रखना अगेती किस्म याद रखनी बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं अगेती किस्म, अगेती किस्म है ना लगभग दसवां ग्यारहवां महीना याद रखना भाई, दसवां ग्यारहवां महीना, ठीक है, दसवां ग्यारहवां महीना। जो मध्यम किस्म है ग्यारहवां और बारहवां महीना, ठीक है, तब इसका फलन अपने को सॉरी तब फलन आप तो दसवा, ठीक है, तो दसवां ग्यारहवां महीना और ग्यारहवां बारहवां महीना। अब ठीक याद है, देखो कि अगेती किस्म कौन कौन सी है, बलवंत, बनारसी, गोमा, एन ए नाइन, ऐश्वर्य, ठीक है, बलवंत, बनारसी, गोमा, एन ए नाइन, ऐश्वर्य। और देखो बलवंत की क्या विशेषताएं गाइस, ये रेशा रहित व चमकीले फल वाली किस्म है, रेशा रहित व चमकीले फल वाली किस्म। देखो इसमें रेशे की मात्रा कम है और चमकीला फल है, मतलब कितनी बड़ी क्वालिटीज है इसकी बात हो रही है बलवंत की, रेशे की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, जब रेशे की मात्रा कम हो रही है ना गाइस तो इसको मुरब्बा बनाने में यूज करते हैं। अब देखो ये क्या है, दूसरी विशेषता मुरब्बा बनाने में इसको यूज किया जाता है, अच्छी भंडारण क्षमता वाली, इसको अधिक समय तक भंडारित भी किया जा सकता है। अगली किस्म है बनारसी, अब बनारसी में एक दिक्कत पाई जाती है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, फ्रूट नेक्रोसिस की, इसमें फ्रूट नेक्रोसिस की प्रॉब्लम गाइस पाई जाती है। अब नेक्रोसिस होता क्या है, नेक्रोसिस होता है उत्तक क्षय को बोलते हैं गाइस, उत्तक क्षय, उत्तक क्षय का मतलब होती है जब कोई प्लांट की सेल या पत्ती की सेल या स्टेम की सेल, ठीक है, एक बार प्लांट की बात होगी, कोई भी सेल जब मृत हो जाती है, मर जाती है ना, तो वहां पर ब्लैकनेस छा जाती है गाइस, ठीक है, वहां पर कालापन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। जब ये फ्रूट में आ रही है तो फ्रूट नेक्रोसिस, मतलब फ्रूट का फ्रूट की जो सेल्स है वो सड़ रही है, वो खत्म हो रही है, ठीक है, वो नष्ट हो रही है, तो फ्रूट नेक्रोसिस। तो इस फ्रूट नेक्रोसिस युक्त कौन सी किस्म है, बनारसी किस्म। और फ्रूट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का कारण हमेशा भ्रूण तत्व की कमी होता है गाइस। अब अगली किस्म है गोमा, अब देखो एन ए नाइन, एन ए मतलब नरेंद्र आंवला नाइन, ये बनारसी के संयोग से विकसित की गई है गाइस। अगली किस्म है ऐश्वर्य, ठीक है, तो इससे रिलेटेड याद रखना दसवां ग्यारह महीना, दसवां ग्यारह कौन सा होता है गाइस, नवंबर दिसंबर होता है क्या, नहीं, अक्टूबर नवंबर,
इसका नवंबर दिसंबर। ओके, अब मध्यम किस्म की बात करें, पहली किस्म रहते हैं हाथी झूल किस्म, इसको फ्रांसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये नियमित फलन देती है, नियमित फलन मतलब हर वर्ष फलन देती है, कहने का मतलब इसमें एकांतर फलन की समस्या नहीं पाई जाती है। ओके, इसमें भी फ्रूट नेक्रोसिस की दिक्कत पाई जाती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें भी पाई जाती है, फ्रूट नेक्रोसिस युक्त दिए भी किस्में। अगली किस्म है कंचन किस्म, जिसको NA4 नरेंद्र आंवला 4 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक नियमित फलन वाली किस्म है। अगली किस्म क्या विशेषता है, मादा पुष्पों की संख्या इसमें अधिक पाई जाती है, कंचन के अंदर मादा पुष्पों की संख्या का अधिक पाई जाती है, और यह चक्या के संयोग वर्ण से विकसित की गई है, चक्या के संयोग वर्ण से विकसित की गई। अगली किस्म का कृष्णा नरेंद्र आंवला 5 के नाम से इसको जाना जाता है, इसका यूज मुरब्बा के लिए करते हैं, ठीक है, मुरब्बा है तो उपयुक्त किस्म की कौन सी है, कृष्णा, ठीक है, NA5 के नाम से। अगली किस्म है अमृत NA6 के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका उपयोग कैंडी बनाने के लिए गाइज किया जाता है। इन देखो बात, एक तो मुरब्बे के लिए कृष्णा किस्म आ रही है, मुरब्बे के लिए एक बलवंत की बात भी की थी, ये दोनों में सुलना की जाए ना तो बलवंत का ज्यादा यूज करते हैं मुरब्बा बनाने के लिए, सबसे उपयुक्त किस्म की बात की जाए तो बलवंत किस्म गाइज। ओके, ये अगेती किस्म होगी, मध्य किस्म होगी, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए गाइस। इससे पहले हमने आंवले की अगेती व मध्यम किस्म की बात कर चुके हैं, अब बात करें गाइस पिछेती किस्म की। मैंने बात बताई थी अगेती किस्म है गाइस, अगेती किस्म है ना, बात किए ना पिछले किस्म गाइस अगेती किस्म, और एक मध्यम की बात हो चुकी पीछे गाइस, मध्यम की बात हो चुकी, उसके बाद कौन सी गाइस पिछेती किस्म, ठीक है, अगेती की होगी बात, मध्यम की होगी चुकी है पिछेती किस्म। अब बात परिपक्वता के आधार पर एक बात बताई थी आपको, दसवां महीना, ग्यारहवा महीना, बारह महीना, बारह महीना पहला महीना, ये परिपक्व होने का टाइम है फल, ठीक है, फल परिपक्व होने की इसमें बातें हैं, फल परिपक्व कब होते हैं इसमें अगेती में 10वें 11वें महीने में, मध्यम में 11वें 12वें और पिछेती में 12वें पहले में। ओके गाइस, कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी के अंदर फल इसमें गाइस पकते हैं। ओके, फल पकने की बातें हो रही हैं अलग अलग हिसाब से। ओके, अब देखो अभिषेती किस्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके फल कब पकेंगे, 12 और पहले महीने मतलब दिसंबर और जनवरी तक। अब हम बात कर रहे हैं चक्या किस्म की, ये एक हाइब्रिड किस्म है। अब देखो हाइब्रिड इसको बनाया गया, कोई तो इसमें अच्छा गुण डाला ही होगा, ठीक है, कोई गुण अच्छा क्या डाल दिया, पिछली जो कुछ किस्में पड़े हैं उसमें अपने पढ़ के हटे, पिछली किस्म कुछ पड़ी, अपने बनारसी पड़ी पिछली किस्म, उसमें नेक्रोसिस वाली दिक्कत थी। अब ये किस्म के जो हाइब्रिड इसको तैयार किया गया, इसमें क्या गुण डाल दिया गाइस, ये नेक्रोसिस मुक्त किस्म है, मतलब इसमें नेक्रोसिस नहीं होता है, ठीक है, तो चक्या किस्म में नेक्रोसिस की बीमारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नेक्रोसिस वाला भगवान की कमी वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या मेन दिक्कत देखा गाइस, एकांतर फलन इसमें पाया जाता है, इसमें एक विशेषता ये तो मुक्त है, ठीक है, नेक्रोसिस से मुक्त है, बट एकांतर फलन की समस्या गाइस इसमें पाई जाती है। ओके, ये किसका संकरण है, कृष्णा इंटू अमृत का संकरण। अब अगली इसकी किस्म है कौन सी, पिछेती किस्म की बात कर रहा हूँ, भवानी सागर, जिसको BSR1 के नाम से जाने जाते हैं, उसकी अगली किस्म है लक्ष्मी 52 के नाम से जिसको जाना जाता है। अब बात करते हैं गाइस कुछ किस्में ऐसी है जिसको फल परिरक्षण के लिए उपयुक्त किस्में है, आंवले की किस्म, पिछेती किस्मों की बात नहीं हो रही, पिछेती किस्में इतनी ही है गाइस, उसके अलावा ये अगली लाइन है, अगला टॉपिक मान लो आप, अगली हेडिंग मान लो, ठीक है, फल परिरक्षण के लिए उपयुक्त किस्में NA4 NA5 NA6 NA मतलब नरेंद्र आंवला। ओके गाइस, NA4 को कंचन के नाम से जाना जाता है, NA5 को कृष्णा के नाम से जाना जाता है, NA7 को नीलम के नाम से जाना जाता है। अब एक ट्रिक बनाई गाइस मैंने, जिसको ट्रिक याद रखना कौन सी, बनारसी हाथी चक्या, मतलब क्या है, बनारसी का एक हाथ, बनारस का एक हाथी है याद रख लो, उसको चक्या मतलब लिफ्ट मतलब उठाना, यही होता है चक्या, बनारसी हाथी चक्या, बट इम्पॉसिबल है, हाथी आप नहीं उठा सकते, ठीक है, उठाने वाले उठा भी देंगे भाई, ठीक है, बनारसी हाथी चक्या, ठीक है, याद रखना बनारसी हाथी जो पहली दो किस्में है ये तो नेक्रोसिस युक्त किस्में है, नेक्रोसिस युक्त है, और चक्या किस्म अभी अपने यहाँ पढ़ के हटे हैं, चक्या किस्म नेक्रोसिस मुक्त किस्म। ओके गाइस, बनारसी हाथी चक्या दो किस्में नेक्रोसिस युक्त है और दो एक किस्म नेक्रोसिस मुक्त है, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लीजिए गाइस। हाँ गाइस, अब अपने बात करेंगे आंवले के अंदर फलन के बारे में, किसके बारे में, फलन के बारे में, फ्रूटिंग के बारे में, कब इसके अंदर फल प्राप्त होते हैं। अभी अपने बात की अगेती, पिछले बात की अगेती किस्म, मध्य किस्म, पिछेती किस्म बात कर चुके गाइस, अगेती किस्म के मैंने बताया था 10वां 11वां महीना, फिर आगे 11वां 12वां महीना बताया था, फिर 12 और 12 और 1 महीना लगभग पता लगा, ठंड वाला मौसम अक्टूबर दिसंबर के अंदर मेन इसका
उत्पादन होता है फलन। अब देखो सबसे बड़ी इसमें क्वेश्चन आता है, स्टार लगा रखना गाइस, यदि आपसे पूछे भी जाएगो डोरमेंसी किसमें पाई जाती है, युग्मों की सुप्ता अवस्था किसमें पाई जाती है, तो आप आंसर दोगे गाइस आंवले के अंदर जाएगो डोरमेंसी पाई जाती होता क्या है। अब देखो क्या होता है, क्या होता है गाइस, इसके फरवरी के अंदर, आंवले में फरवरी के अंदर क्या होता है गाइस, फूल आ जाते हैं। और उत्पादन कब हो रहा है, देखो अक्टूबर दिसंबर में ठंड में जाकर उत्पादन हो रहा है, इतना लंबा टाइम फल मतलब फूल आने के बाद फल लगने में टाइम देखो कहां था, फरवरी से लेकर अक्टूबर दिसंबर कहां तक बात हो रही है। अब देखो ठीक है, इतना लंबा डिस्टेंस क्यों आ रहा है, इतना जो बीच में गैप है किसके कारण है, जाइगो डोरमेंसी के कारण बीच में गैप है गाइस। अब देखो फरवरी में इसके अंदर फूल आ रहे हैं, फूल आने के बाद ठीक है निषेचन हो गया, अब निषेचन हो गया युग्मक बन गया गाइस, जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट बनने के बाद देखो जाइगोट के अंदर ही सुसुप्ता अवस्था पाई जा रही है, कितनी बड़ी बात है, देखो कितना यूनिक क्वेश्चन है गाइस, जाइगोट बन गया अब जाइगोट के अंदर सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है, 5 माह तक वो जाइगोट है ना सुसुप्त अवस्था में रहता है, डोरमेंसी स्टेज में रहता है, जिसको युग्मक सुसुप्त अवस्था या जाइगो डोरमेंसी के नाम से गाइस, 5 महीने तक सुसुप्त अवस्था पाई जाती है और धीरे धीरे ये ग्रोथ हो रही है जुलाई अगस्त में, उसके बाद ग्रोथ होने के बाद अभी सुसुप्त अवस्था हटती है, तो फल उत्पादन कब प्राप्त होता है गाइस, अक्टूबर और दिसंबर के अंदर अंदर ठीक है, लास्ट ठंड वाले महीने होते हैं ठीक है, उसके अंदर जो उत्तर भारत में ठंड पड़ती है इन महीनों के अंदर, तो इस ठंड वाले एरिया इस ठंड वाले सीजन में इसके अंदर फल उत्पादन होता है गाइस, तो 5 महीने का डिफरेंस देखो। अब देखो क्या है, बीच में वर्षा ऋतु में ग्रोथ हो रही है, ये बसंत ऋतु कहने का मतलब जो ग्रीष्म ऋतु आ रही है ना, गर्मी वाला सीजन है, गर्मी वाले मेन सीजन के अंदर अंदर इसके अंदर सुसुप्त अवस्था गाइस पाई जाती है। उसके अगली बात उपज की बात कर रहे हैं, उपज इसमें 50 से 100 kg प्रति फल लक्ष्य मिल रही है, भंडारण 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 90% आर्द्रता हो इसमें, तो 15 दिनों तक इसको आसानी से गाइस भंडारित किया जा सकता है। ओके जल्दी फटाफट सकनी छोड़ ले लीजिए गाइस इसका, इससे पहले हमने आंवले में उपज एवं भंडारण के बारे में चर्चा की गाइस, अब इसके कीट व रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, आंवले के अंदर लगने वाले कीट एवं रोग, पहले सबसे पहले बात करेंगे कीटों की गाइस, इसके बाद बात करेंगे रोगों की। ओके पहली बात देखो कीट, कीट के अंदर पहला कीट कौन सा, छाल भक्षक कीट, जिसका नाम है, जिसका जूलॉजिकल नाम है इंटरबेला टेट्राओनिस, इंटरबेला टेट्राओनिस कीट का नाम है छाल भक्षक कीट। देखो छाल को इसकी जो बार्क है उसकी बार का छाल का ये भक्षण करता है कीट, ये क्या करता है मतलब कारण, ये कारण क्या है, इसका जो लार्वा होता है इस कीट का ठीक है, इस मतलब लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट है, ये कीट मतलब लेपिडोप्टेरा गण का कीट है, जो इसका लार्वा है कैटरपिलर कहलाता है ठीक है, तो मेन अटैक इसका जो लार्वा है ना, लार्वा इस कीट का लार्वा छाल के अंदर से इस छाल को मतलब पेछाल के अंदर अंदर रहता है और छाल को अंदर अंदर से ही खाता रहता है, छाल भक्षक कीट है और इसका लार्वा अवस्था है जो सबसे हानिकारक है, और इस लार्वा को कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना इस लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को कैटरपिलर नाम से जाना जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तने में मोनोक्रोटोफोस का इंजेक्शन लगा कर दिया, इंजेक्ट कर दिया।